अभय और सायशा अब तक पल्लवी के पास उसके वार्ड में मौजूद थे, साथ में वहां पर विशेषता भी मौजूद थी। पल्लवी की बात सुनकर सारे लोग हैरान होकर पल्लवी की ओर देखने लगे। पल्लवी यहीं नहीं रुकी, उसने अपनी सारी ताकत लगाकर अपना हाथ हिलाकर अभय को अपने करीब आने का इशारा किया, लेकिन अभय उसके करीब नहीं गया। पल्लवी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, आर्यन अब तो पल्लवी को माफ कर दो, अब तो अपनी पल्लवी के प्यार पर यकीन कर लो। सच कहती हूँ, अब कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी। ये बोलकर वो अभय की ओर हाथ बढ़ाकर उसकी ओर देखने लगी। अभय कुछ समझ पाता इसके पहले वहां पर मौजूद विशेषता, बगैर कुछ सोचे समझे अभय का हाथ अपने हाथों में लेकर पल्लवी के हाथों में रखती हुई बोली, भाभी संभालिए अपने आप को। पल्लवी के हाथों में जैसे ही विशेषता ने अभय का हाथ रखा, पल्लवी ने अपनी पूरी ताकत से अपनी उंगलियों के बीच अभय की हथेलियां पकड़ ली। वहां मौजूद सायशा आंखें फाड़कर ये सब देख रहे थे। पल्लवी ने अभय का हाथ पकड़कर अपने सीने के करीब ले जाते हुए कहा, आर्यन अब मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, मैं हमेशा तुम्हें अपने बहुत करीब रखूंगी। इसके पहले अभय ने अपना हाथ झटक कर छुड़ाते हुए कहा, होश में आओ पल्लवी, मैं आर्यन नहीं हूं, मैं अभय हूं। ये लाइन उसने काफी कड़क आवाज में कही थी। अभय के इतना कहते ही विशेषता ने अभय की ओर देखकर कहा, भैया आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको देखकर उन्हें कुछ पल के लिए सुकून मिल रहा है तो उन्हें रहने दीजिए ना। उस गलत फहमी में वो कितनी तकलीफ से होकर गुजर रही है, आपको उनकी तकलीफ समझनी चाहिए। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? ये बोलकर विशेषता अभय की ओर देखने लगी। अभय ने विशेषता को घूर कर देखा। पल्लवी ने अभय की ओर देखकर कहा, आर्यन क्यों मुझ पर सितम ढा रहे हो? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार लो, लेकिन प्लीज मुझे इस तरह मत तड़पाओ। मैं तुम्हारे प्यार की कदर समझ चुकी हूँ, तुम्हारी तरह कोई मुझे इतना प्यार नहीं कर सकता। आई लव यू आर्यन। ये बोलकर उसने एक बार फिर अभय का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अभय ने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए। अब वो सायशा के एक वली खड़ा हुआ था। वहां मौजूद विशेषता ने अभय की ओर देखकर कहा, भैया क्यों आप भाभी के साथ इतना रूखा बर्ताव कर रहे हैं? प्लीज उन्हें जीने के लिए दो पल दे दीजिए, एक पल के लिए आप वो बन जाइए जो वो आपके अंदर देखना चाहती है। विशेषता की बात सुनकर अभय ने उसे घूर घूर कर देखा और बगैर कुछ कहे वहां से बाहर जाने के लिए टर्न हो गया। जाते वक्त उसने सायशा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, चलो सायशा अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। सायशा ने अभय से अपना हाथ दूर करते हुए कहा, अभय तुम बाहर जाओ, मुझे पल्लवी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। सायशा की बात सुनकर अभय आंखें फाड़कर हैरानी भरी नजर से उसकी ओर देखने लगा। सायशा ने धीरे से कहा, ट्रस्ट मी। अभय ने हाँ में सर हिलाया और वहां से बाहर चला गया। उसके बाहर जाने के बाद सायशा पल्लवी की ओर टर्न हुई। पल्लवी के साथ उसका हाथ थामे हुए विशेषता मौजूद थे। विशेषता ने नाराज होते हुए कहा, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अभय भैया पर ना जाने आपने ऐसा कौन सा जादू करके रखा है जो वो अपने फैमिली को फैमिली नहीं समझते बल्कि दुश्मन समझते हैं। ना जाने आपने उन्हें हम सभी के लिए ऐसा क्या भड़काया है जो वो हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते। विशेषता लगातार अपनी बातें कही जा रही थी, लेकिन सायशा ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो पल्लवी के सामने जाकर खड़ी हो गई। पल्लवी अब तक रो रही थी। सायशा ने सपाट लहजे में कहा, पल्लवी मैं जानती हूँ बिना माँ के बच्चे का क्या हाल होता है। एक अनाथ बच्चे का अकेले इस दुनिया में रहना कितना मुश्किल होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मोहित के सर से उसके बाप का साया पहले ही उठ चुका है, लेकिन उसकी किस्मत से तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये बोलकर वो पल्लवी की ओर देखने लगी। पल्लवी लगातार रोई जा रही थी। सायशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और तुम आगे जो भी कदम उठाना एक बार अपने बच्चे मोहित के लिए सोच लेना, उसके बाद कोई कदम उठाने की सोचना। आज तुमने जो किया है इसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ तुम्हारा बच्चा तुम्हारी कमी महसूस कर पा रहा है। ये बोलकर सायशा ने पल्लवी की आंखों में देखा। पल्लवी ने एक बार भी उसे कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं किया। सायशा ने पल्लवी की ओर देखकर कहा, उम्मीद करती हूँ तुम जल्दी ठीक होकर अपने बच्चे की देखभाल करोगी। ये बोलकर वहां से जाने के पहले उसने विशेषता की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, अगर तुम यहाँ पल्लवी की देखभाल के लिए रुक रही हो तो तुम्हें रुकना चाहिए, ये तुम्हारा फर्ज बनता है। लेकिन साथ में तुम्हें पल्लवी को समझाना चाहिए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है और जिंदगी पर सिर्फ हमारा हक नहीं होता, हमसे जुड़े हर शख्स का हमारी जिंदगी पर हक होता है और पल्लवी की जिंदगी पर अब सिर्फ मोहित का हक है। तुम्हें सारी बातें अपनी भाभी को अच्छी तरह समझानी चाहिए। विशेषता ने सायशा से कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं किया और हाँ में सर हिला दिया। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो।
ये बोलकर वो बगैर विशेषता का रिप्लाई सुने वार्ड से बाहर चली गई। इस वक्त अभय हॉस्पिटल की पार्किंग एरिया में मौजूद था। साइशा उस पर बहुत खुश थी। आज उसने पल्लवी और विशेषता के सामने भी अपने सच्चे प्यार की ईमानदारी की मिसाल जो पेश की थी, वो मन ही मन माता रानी का शुक्रिया अदा कर रहे थे जो उसे अभय जैसा प्यार करने वाला पति मिला था। वो जैसे ही हॉस्पिटल से पार्किंग की ओर गई, वहां उसकी नजर अभय पर पड़ी जो कि कार की डोर से अपनी पीठ टिकाकर हाथ बांधे हुए साइशा का वेट कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर साइशा पर पड़ी, उसने अपने अंदाज में कहा, मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूं। उसकी बात सुनकर साइशा ने अभय के मजे लेते हुए कहा, मैं पल्लवी से कुछ बात करने में बिजी थी। उसकी बात सुनकर अभय ने बेपरवाही से कहा, तुम्हें लोगों से बात करने का बहुत शौक है ना, तुम ये भी नहीं देखती कि तुम कब और किससे क्या बात करने लगती हो, राइट? उसकी बात सुनकर साइशा ने रिप्लाई किया, तुम भी कुछ कम नहीं हो, अगर पल्लवी को तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी तो तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की? उसकी बात सुनकर अभय ने आंखें सिकोड़ कर कहा, मैं उसकी हेल्प क्यों करने लगा? ये बोलकर अभय ने उसे गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा किया और खुद भी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ देर में उनकी कार वहां से सिटी की ओर चलने लगी। साइशा और उसकी बातचीत अब तक जारी थी। साइशा ने जवाब दिया, अगर तुम कुछ देर उसके सामने आर्यन होने का नाटक कर लेते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, और तुमने कितने बेदर्दी से उससे अपना हाथ छुड़ा भी लिया था। ये बात अच्छी नहीं है। बेचारी पल्लवी को तुमसे कितनी उम्मीदें, और एक तुम जो उसकी सारी उम्मीदें एक पल में खत्म कर देते हो। ये बोलकर वो थोड़ी शरारती नजरों से उसकी ओर देखने लगी, लेकिन अभय ने उसे बिना आई कॉन्टैक्ट किए रिप्लाई किया, पहली बार ऐसी वाइफ देख रहा हूँ जो अपने हस्बैंड को दूसरी औरत के पास जाकर उसकी हेल्प करने के लिए कह रही है, अमेजिंग। ये बोलकर अभय गाड़ी ड्राइव करने लगा। साइशा को अभय पर बड़ा प्यार आ रहा था, इसीलिए उसने उसे फिर से छेड़ते हुए कहा, तुम्हारे एक झूठ कहने से उस बेचारी की तबीयत ठीक हो जाती तो तुम्हें झूठ कहना चाहिए था। अभय ने साइशा के चेहरे पर नजर डाली और वो सारा माजरा समझ गया और देख कर कहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे पल्लवी की हेल्प करनी चाहिए थी। अगर मुझे पता होता कि तुम भी यही चाहती हो तो मैं वहीं रुक जाता और उसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, मैं अभी गाड़ी हॉस्पिटल के लिए टर्न कर लेता हूँ। ये बोलकर अभय साइशा के चेहरे की ओर देखने लगा। उसकी इस बात पर साइशा कुछ समझ पाती उसके पहले अभय साइशा की नाक खींचते हुए बोला, कितनी अच्छी वाइफ हो यार, सचमुच तुमसे शादी करके मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आज रात मैं पल्लवी के साथ वार्ड में अकेले रुक जाऊंगा, विशेषता की पढ़ाई भी खराब नहीं होगी। ये बोलकर वो साइशा के रिप्लाई का वेट करने लगा। उसके इतना कहते ही साइशा बोल पड़ी, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जब तक हस्बैंड को पतंग की तरह ढील ना दे दो तब तक उसके मन की बात समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये कहते वक्त उसके चेहरे से उसका गुस्सा समझ में आ रहा था। अभय ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, तुम नाराज क्यों हो, तुम्हें तो चाहती हो ना कि मुझे पल्लवी के पास होना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए। साइशा ने घूर कर अभय के चेहरे की ओर देखा और वो समझ गई कि अभय उसके मजे ले रहा है। फिर उसने अभय के कंधे पर पंच मारते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम, बड़े आए पल्लवी की हेल्प करने वाले। ये लास्ट लाइन उसने काफी जोर से कही थी। उसकी आवाज में और उसके चेहरे में उसकी जलन साफ समझ में आ रही थी। अभय ने तिरछी स्माइल देते हुए कहा, तुम्हें तो कहा था ना कि मुझे इंसानियत दिखानी चाहिए थी, तो अब मैं ये करना चाहता हूँ तो तुम्हें ऑब्जेक्शन है। साइशा ने उसे घूर कर देखा और कहा, चुपचाप गाड़ी ड्राइव करो, समझे तुम। अभय हंसने लगा। उसे हंसते देखकर साइशा भी हंस पड़ी। कुछ देर बाद वो दोनों पैलेस पहुंचे। जैसे उनकी कार पैलेस के सामने आकर रुकी, उनकी आउट हाउस से आउट हाउस की मेड सुगंधा दौड़ती हुई आई। उसकी गोद में मोहित भी था। मोहित जोर जोर से रो रहा था। उसे रोते देखकर अभय और साइशा दोनों ने परेशान होकर उसकी ओर देखा। उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि मोहित के चेहरे से खून आ रहा था और उसके हाथ भी कई जगह से कटे हुए थे। ये देखकर साइशा और अभय दोनों का दिल एक पल के लिए धक से होकर रह गया। उसे देखकर साइशा भागकर सुगंधा के पास पहुंची और उसने मोहित को अपनी गोद में लेते हुए कहा, सुगंधा, मोहित को चोट कैसे लगी? मोहित की देखभाल तो तुम करती हो ना? उसकी बात सुनकर सुगंधा का जवाब आया, हिंसा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ देर के लिए पापा को सोफे पर बिठाकर किचन में चली गई थी। ये बोलकर वो डरकर साइशा और अभय की ओर देखने लगी। अभय ने कड़क आवाज में कहा, तुम किचन में गई थी तो मोहित को चोट कैसे लग गई? सुगंधा ने डरते हुए अपनी बात आगे कंप्लीट की, सर, वो दरअसल बाबा। ये कहने के बाद वो अपनी ड्रेस के कॉर्नर को पकड़कर गोल गोल घुमाने लगी। उसके चेहरे पर उसका डर साफ समझ में आ रहा था। अभय ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है,
तुम्हें पता है मोहित को चोट लगने का क्या मतलब होता है? सुगंधा ने हड़बड़ाते हुए हां में सर हिलाया और जवाब दिया, पापा ने सोफे के कॉर्नर में रखा कांच का जग उठा लिया और उसे खेलने लगा और कुछ देर बाद बाबा कांच के सहित सोफे के नीचे गिर गए और कांच के टुकड़े उन्हें लग गए। इस वक्त मोहित के चेहरे और उसके हाथों से बहुत खून आ रहा था और मोहित दर्द के मारे लगातार रोए जा रहा था। सुगंधा के कपड़े भी मोहित के खून से पूरी तरह सने हुए थे। अभय ने सुगंधा को घूर कर देखा और कहा, गाड़ी में बैठो, हमें तुरंत मोहित को हॉस्पिटल ले जाना होगा। साईशा मोहित को लेकर गाड़ी में बैठ गई और सुगंधा भी कार की पिछली सीट पर सेटल हो गई और अभय मुंबई के हैवी ट्रैफिक से होकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में साईशा ने महसूस किया कि मोहित ने रोना बंद कर दिया है। उसकी आवाज सुनकर साईशा का दिल डर के मारे जोरों से धड़कने लगा और कुछ यही हाल अभय का भी था। आगे क्या होगा, जाने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। मोहित अब तक साईशा की गोद में था और उसके रोने की आवाजें पूरी तरह बंद हो चुकी थी। ये देखकर साईशा का दिल डर के मारे जोरों से धड़कने लगा। उसने रोते हुए अभय की ओर देखकर कहा, अभय देखो मोहित कुछ हरकत नहीं कर रहा है। उसकी बात सुनकर अभय का दिल भी धक से हो गया। उसने गाड़ी साइड पर रोकी और मोहित की नब्ज चेक करने लगा। फिर उसने साईशा की ओर देखकर कहा, इसकी नब्ज बहुत धीमी चल रही है, लगता है ये बेहोश हो गया है। उसकी बात सुनकर साईशा ने रोते हुए कहा, अभय जल्दी करो, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा, मोहित को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हम पल्लवी को क्या जवाब देंगे। कार में पीछे बैठी सुगंधा का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था। कुछ देर बाद अभय और साईशा मोहित को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। मोहित के चेहरे पर काफी गहरे कट आए हुए थे और इसके अलावा उसके छोटे से शरीर में भी कई जगह गहरे जख्म लगे हुए थे, इसीलिए डॉक्टर बगैर कोई लापरवाही किए उसे ओटी में ले गया। इस वक्त अभय भी अपने फोन कॉल में बिजी हो गया और वहीं साईशा ओटी के बाहर मौजूद कॉरिडोर में मौजूद थे। साईशा के कपड़े खून से सने हुए थे और यही हाल सुगंधा के कपड़ों का भी था। सुगंधा अब तक रो रही थी। हालांकि सुगंधा अभय की फैमिली की पुरानी वफादार थी और उसे बच्चों को संभालना भी बहुत अच्छी तरह आता था, लेकिन आज उसकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से मोहित की जिंदगी पर बनाई थी, इसलिए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने रोते हुए साईशा की ओर देखा और कहा, मैडम आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे मेरे काम से निकाल दिया जाएगा और यहाँ से निकाले जाने का मतलब है अब मुझे मुंबई शहर में कहीं पर भी कोई काम नहीं देगा, इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो हाथ जोड़कर साईशा की ओर देखने लगी। साईशा ने सुगंधा की आंखों में देखा। उसने रोते हुए कहा, मैडम अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं ये काम छोड़कर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने परिवार को पालना है और यहाँ से निकाले जाने के बाद मुझे पूरे मुंबई शहर में कोई काम नहीं देगा, इसलिए मैं खुद इस काम को छोड़ती हूँ। ये बोलकर वो साईशा के रिप्लाई का वेट करने लगी। साईशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सुगंधा मुझे पता है तुम यहाँ की पुरानी वफादार रही हो, लेकिन तुमने आज कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, बल्कि तुम्हारी छोटी सी लापरवाही की वजह से मोहित जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अगर तुम्हें किचन में जाना ही था तो तुम्हें मोहित को किसी और के भरोसे छोड़कर जाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सुगंधा चुपचाप साईशा की बात सुन रही थी। फिर साईशा ने उसकी ओर देखकर कहा, सुगंधा इस बात का डिसीजन अभय लेगा, मैं इस पे कुछ नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर सुगंधा चुप हो गई। फिर कुछ देर बाद सुगंधा ने कुछ सोचकर साईशा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मैम साहब आप सबको पता है कि अभय सर कभी भी आपकी कही हुई बात नहीं टालते, मैम साहब प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, एक बार आप साहब से मेरे लिए बात करके देखिए, शायद आपके कहने से मुझ करीब पर पड़ी प्रॉब्लम आने से रुक जाए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। ये बोलकर सुगंधा ने साईशा के पैर पकड़ लिए। साईशा ने आंखें बंद करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं अभय से बात करने की कोशिश करूंगी, थैंक यू सो मच मैम साहब। ये बोलकर सुगंधा रोते हुए हाथ जोड़कर साईशा को देखने लगी। कुछ देर बाद मैरी का फोन आ गया, क्योंकि आज आयांश सैंडी और मैरी के पास रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था, इसीलिए साईशा को हॉस्पिटल से वापस घर जाना पड़ा और उधर मोहित के ऑपरेशन में वक्त ज्यादा लग रहा था। अभय अब तक हॉस्पिटल में मौजूद था।
कुछ देर बाद ओटी से डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने अभय की ओर देखकर कहा, बच्चा खतरे से बाहर है, अब कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हम अभी उसे कुछ दिन अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अभय ने हाँ में सर हिला दिया। मोहित को बच्चों के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जा चुका था और वही अभय डॉक्टर के साथ उसके केबिन में मौजूद था। डॉक्टर ने मोहित की रिपोर्ट अभय के हाथ में देते हुए कहा, मिस्टर खन्ना, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग बच्चे का अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। अभय ने हाँ में सर हिला दिया। अभय ने एक हल्की नजर मोहित की ब्लड रिपोर्ट पर डाली। मोहित का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। ये देखकर अभय को हैरानी हुई, फिर उसने डॉक्टर की ओर देखकर कहा, मेरे भाई का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था, लेकिन उसके बेटे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव कैसे है? डॉक्टर ने स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर खन्ना, हो सकता है बच्चे का ब्लड ग्रुप उनकी माँ पर गया हो। डॉक्टर की बात सुनकर अभय ने हाँ में सर हिलाया। उसे अच्छी तरह तो नहीं, लेकिन हल्का फुल्का याद था कि पल्लवी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन वो इस बात पर श्योर नहीं था। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलकर उसने सैंडी का नंबर डायल किया और जैसे ही सैंडी ने फोन रिसीव किया, अभय ने कहा, सैंडी, फौरन पल्लवी के ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाओ और 2 घंटे के अंदर मुझे उसके ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट बताओ। सैंडी ने ओके सर कहा। अभय ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सैंडी ध्यान रहे, पल्लवी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। ओके सर बोलकर सैंडी ने फोन कट कर दिया। इस वक्त अभय मोहित के वार्ड के बाहर बेंच पर बैठे हुए किसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी कुछ देर बाद उसका मोबाइल बजा। फोन सैंडी का था। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी साइड से सैंडी की सदी हुई आवाज आई, सर, पल्लवी मैडम का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। ये सुनकर अभय ने गुस्से से दांत पीस लिए और फोन कट कर दिया। उसे माजरा कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए उसने अपने फैमिली डॉक्टर का नंबर डायल किया। दूसरी साइड से जैसे ही फैमिली डॉक्टर ने फोन रिसीव किया, अभय ने तुरंत कहा, डॉक्टर मुझे आपसे कुछ पूछना था। फैमिली डॉक्टर ने, यस मिस्टर खन्ना, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? फैमिली डॉक्टर ने कहा, यस मिस्टर खन्ना, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? अभय ने कहा, क्या ये जरूरी है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप उनके पेरेंट्स पर ही पड़े? उसकी बात सुनकर डॉक्टर का जवाब आया, जी हाँ मिस्टर खन्ना, बच्चे के अंदर या उसके पिता का ब्लड ग्रुप होता है या तो उसकी माँ का। ये बात सुनकर अभय का खून गुस्से से खौलने लगा। उसने थैंक यू डॉक्टर बोलकर फोन काट दिया। फोन कट होने के बाद उसका मन कर रहा था कि वो इसी वक्त जाकर पल्लवी का मर्डर कर दे। वो पल्लवी से मिलने सीधे उसके हॉस्पिटल पहुंचा। इस वक्त वो पल्लवी के वार्ड के बाहर मौजूद था। वार्ड के अंदर विशेषता मौजूद थी। अभय ने वो हाथ पॉकेट में डालकर खड़ा था। उसे देखकर विशेषता ने खुश होकर कहा, भैया बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गए, आप भाभी से मिलने आए हैं ना, चलिए अंदर चलिए, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी। उसकी बात सुनकर अभय ने गुस्से से कहा, तुम मेरे साथ बाहर आओ। ये बात सुनकर विशेषता ने आंखें सिकोड़ कर कहा, लेकिन हुआ क्या भैया? अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेजी से आगे चलने लगा और विशेषता उससे पीछे उससे कदम मिलाने की कोशिश करती हुई लगभग दौड़ने लगी। इस वक्त अभय बड़े बड़े कदमों से काफी तेजी से हॉस्पिटल के लिफ्ट की ओर चल रहा था और विशेषता भी उसके पीछे मौजूद थी। अभय ने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और लिफ्ट का वेट करने लगा। वही विशेषता भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा, भैया वहां भाभी अकेली, आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? अभय ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। विशेषता को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। वो अभय का चेहरा देखकर समझ रही थी कि इस वक्त अभय गुस्से में है। विशेषता ने अभय का हाथ पकड़ लिया और कहा, भैया प्लीज बताइए ना आपको क्या हुआ है, आप इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? उनके सामने लिफ्ट ओपन हो चुकी थी। अभय ने विशेषता का हाथ पकड़ा और लिफ्ट के अंदर एंटर हो गया। उनके एंटर होते लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर की ओर जाने लगी। विशेषता ने अपनी आवाज कड़क करते हुए कहा, भैया पल्लवी भाभी अकेली है, इस वक्त मुझे उनके साथ होना चाहिए और आप हैं, तो चाहते मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें कौन अटेंड करेगा? आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? अभय ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब तुम इंडिया में नहीं रहोगी, तुम्हें अब वापस लौट कर जाना होगा, वहां जाकर तुम अच्छी तरह अपनी स्टडीज पर फोकस करो। अभय की ये बात सुनकर विशेषता पहले तो हैरान हुई, फिर उसने नाराज होते हुए कहा, भैया आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? जवाब में अभय ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। उसके इतना कहते ही विशेषता नाराज होती हुई बोली, भैया मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यही रहूंगी भाभी के साथ, उनके साथ कोई नहीं है, आरन भैया तो उन्हें छोड़कर जा चुके, जाने आप और सायशा भाभी क्यों भाभी से इतनी नफरत करते हैं,
कर। मुझे बस ये पता है कि मैं भाभी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, उन्हें मेरी जरूरत है, उसने गुस्से से विशेषता को डांटते हुए कहा। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी है, मैंने तुम्हें अपना डिसीजन सुनाया है। अब तुम यहाँ इंडिया में नहीं रुकोगे, बहुत जल्द तुम्हें अब्रॉड की टिकट मिल जाएगी और तुम जल्द से जल्द इंडिया छोड़कर वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने यहाँ से चली जाओगी। इस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। विशेषता को अच्छी तरह समझ में आ रहा था कि अभी अभय से कुछ भी बात करने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उसने अपनी टोन चेंज करते हुए कहा। भैया मेरी बात तो सुनिए, अभय ने डांटते हुए कहा। मुझे किसी की बात सुनने की आदत नहीं है, ये बात। अगले दिन सुबह 9 बजे अभय और साईशा इस वक्त मोहित के साथ हॉस्पिटल में मौजूद थे। मोहित को VIP वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। साईशा मोहित के करीब बैठकर बड़े प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। उसके छोटे से शरीर में ढेर सारी पट्टियां और बैंडेज लगे हुए थे। ये देखकर साईशा को बहुत तकलीफ हो रही थी। मोहित के बेड के कुछ दूरी पर अभय वहां रखे सोफे पर बैठा हुआ था और वो मोहित को बगैर पलके झपकाए देख रहा था। साईशा ने अभय की ओर देखा और कहा, अभय पल्लवी इस वक्त हॉस्पिटल में है क्या? हमें पल्लवी को मोहित के बारे में बताना चाहिए। उसकी बात सुनकर अभय ने नहीं में सर हिला दिया। साईशा ने धीरे से कहा, लेकिन अभय वो मोहित की माँ है और उसे मोहित के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर अभय ने एक बार फिर नहीं में सर हिला दिया। साईशा ने उसकी ओर देख कर कहा, क्या बात है अभय, तुम पल्लवी को मोहित के बारे में बताने से क्यों मना कर रहे हो? क्या इसके पीछे कोई वजह है? उसकी बात खत्म होते ही अभय तुरंत बोल पड़ा, पल्लवी को अगर अपने बच्चे की इतनी चिंता होती तो वो ये कदम नहीं उठाती कि उसे खुद अपने बच्चे से दूर रहकर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। अगर वो अपने बच्चे से सचमुच प्यार करती तो वो अपनी लाइफ में आए खालीपन को अपने बच्चे के प्यार से फिर से भर लेती। उसे अपने बच्चे से कोई प्यार नहीं है, इसीलिए ऐसी औरतों को उसके बच्चे के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देना? उसकी बात सुनकर साईशा तुरंत बोल पड़ी, अबे वो जो भी हो, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम मोहित के बारे में पल्लवी को सच बता दें। जब पल्लवी घर आएगी और वो मोहित के बारे में पूछेगी तब हम उसे क्या कहेंगे? उसकी बात खत्म होते ही अभय बोल पड़ा, उसके घर आने के पहले मोहित घर पहुंच जाएगा। ये लाइन्स कहते वक्त अभय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। साईशा ने तुरंत कहा, लेकिन मोहित को काफी चोटें आई है और जब वो मोहित के जख्म देखेगी तब वो हमसे सवाल करेगी, तब हम क्या कहेंगे? उसकी बात खत्म होते ही अभय ने अपनी आवाज कड़क करते हुए कहा, साईशा क्या तुम्हें कोई बात एक बार में समझ नहीं आती? मैंने तुमसे कहा ना, मोहित के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें भी पल्लवी की गलती है। अगर उसने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो आज मोहित इस हाल में नहीं होता, इसलिए हमें किसी को कोई जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रूम का डोर अंदर की ओर ओपन हुआ और डोर ओपन होते ही विशेषता रूम के अंदर एंटर हुई। विशेषता का चेहरा देखकर समझ में आ रहा था कि वो बहुत परेशान है। वो हड़बड़ाकर मोहित के बेड के करीब पहुंची। उसने मोहित के नन्हे हाथों को अपने हाथों के बीच लेकर कहा, क्या हुआ मेरे मोहित को? ये कहने के बाद वो रोने लगी। साईशा ने धीरे से कहा, अब वो खतरे के बाहर है। उसके इतना कहते ही विशेषता ने अपनी आवाज कड़क करते हुए कहा, मैंने आपसे पूछा कि मोहित को क्या हुआ है? उसके इतना कहते ही वहां मौजूद अभय चिल्लाकर बोला, मोहित को उसकी लापरवाह माँ की वजह से बहुत बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ी है और वो भी अपनी लापरवाह माँ की वजह से मौत के मुंह से निकल कर वापस आया है। अभय की बात सुनकर विशेषता ने उसकी ओर देख कर कहा, लेकिन पल्लवी भाभी की इसमें क्या गलती है? आप हर बात में पल्लवी भाभी को बीच में क्यों लाते हैं? मोहित को चोट लगी है ये बात उन्हें पता तक नहीं है और एक आप है जो इस बात के लिए भी भाभी को जिम्मेदार ठहरा रहे। उसके इतना कहते अभय ने विशेषता को घूर कर देखा और कहा, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मोहित के इस हाल का जिम्मेदार हम हैं? अगर पल्लवी को अपने बच्चे की इतनी फिक्र होती तो वो कभी सुसाइड करने की नहीं सोचती, वो हमेशा अपने बच्चे की ढाल बनकर उसके साथ रहती, समझे तुम? ये बोलकर वो विशेषता को घूर कर देखने लगा। विशेषता ने रोते हुए कहा, भैया आप कितने बदल गए हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि आपके दिल में अपने भतीजे के लिए भी कोई फीलिंग नहीं है। मोहित आर्यन भैया की आखिरी निशानी है और आप है कि मोहित के लिए इतनी बेरुखे दिखा रहे हैं। उसके इतना कहते अभय तुरंत बोल पड़ा, मैं तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की को सफाई देने में यकीन नहीं रखता। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मेरे बारे में क्या कहती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी उसकी माँ की होती है और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। विशेषता ने कोई जवाब नहीं दिया।
अभय ने विश्रेष्ठा की ओर देखकर कहा, मैं भी किस बेवकूफ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में तो सिर्फ पल्लवी के नाम का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला और मुझे भी तुम्हें समझाने का कोई खास शौक नहीं है। अभय कंटिन्यूसली अपनी बातें कहे जा रहा था। वह मौजूद सायशा को ऐसा लगा कि अभय को ये लाइंस नहीं कहनी चाहिए, इसीलिए उसने अभय को बीच में रोकते हुए कहा, अभय तुम क्या कर रहे हो, संभालो अपने आप को। सायशा के इतना कहते ही विश्रेष्ठा ने सायशा को घूर कर देखा और कहा, सचमुच आप कितनी चालाक है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आप अपने हाथ से कोई भी मौका नहीं जाने देती ना। आपको क्या लगता है कि जिस तरह आपने अभय भैया और अमित भैया को बेवकूफ बना लिया है तो आप मुझे भी उसी तरह बेवकूफ बना लेंगी? तो आप सरासर गलत सोचती है। आज हम दोनों भाई बहन के बीच झगड़े हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ये बोलकर वो गुस्से से सायशा को घूर कर देखने लगी। अभय ने जोर से विशेषता को डांटते हुए कहा, जबान संभाल कर बात करो, तुम जिससे बात कर रही हो तुम उसके बारे में क्या सोचती हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ है और मैं अपनी पत्नी के खिलाफ तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह से बातें सुनना कभी पसंद नहीं करूंगा। और तुम्हें सायशा को बुरा भला कहने का कोई हक नहीं है, एक तो तुम उससे उम्र में भी छोटी हो और रिश्ते में भी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने लिमिटेशंस में रहकर उससे बात करो। ये बोलकर अभय उसे घूर कर देखने लगा। विशेषता ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मुझे पता है कि आपसे और आपकी पत्नी से बात करने का भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं न जाने क्यों आप दोनों से बेवजह बहस करती हूँ। ये बोलकर वो अभय और सायशा को देखने लगी। सायशा ने विशेषता की ओर देखकर कहा, विशेषता तुम गलत समझ रही हो, अभय तुम्हारा बड़ा भाई है और कभी भी भाई बहन के रिश्ते में दूरी नहीं आ सकती है। हाँ कुछ पल के लिए शिकायतें जरूर हो सकती है, लेकिन कभी खून का रिश्ता एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। ये बोलकर उसने विशेषता पर नजर डाली। विशेषता ने सायशा की ओर देखा और कहा, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, क्या आप मुझे उनसे बात करने दे सकती है? उसके इतना कहते ही वह मौजूद अभय सायशा की ओर देखकर बोला, सायशा तुम्हें भी ऐसे बेवकूफ लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ सकते। विशेषता ने सायशा को गुस्से से घूर कर देखा और अभय की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी, मैं यहाँ गलती से आ गई। ये बोलकर उसने मोहित के नंधे हाथों पर किस किया और धीरे से कहा, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर उसने अभय की ओर देखकर कहा, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो वहां से जैसे ही जाने को हुई अभय ने कड़क आवाज में कहा, कहाँ जा रही हो? विशेषता ने बेपरवाही से कहा, आपसे मतलब? उसके इतना कहते अभय ने एक बार फिर उसे डांटते हुए कहा, विशेषता तमीज से बात करो, मुझसे आज तक किसी ने इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं की जिस तरह तुम कर रही हो। विशेषता ने अभय की आंखों में देखकर कहा, अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं पल्लवी भाभी से मिलने जा रही हूं तो आप क्या कहेंगे? उसकी बात सुनकर अभय की आंखों में गुस्सा उतर आया। विशेषता यही नहीं रुकी, उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे पता है आप नहीं चाहेंगे मैं पल्लवी भाभी के साथ रहूं, आप उन्हें पूरी तरह अकेला कर देना चाहते हैं, आप उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख देना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे उनसे दूर कर रहे हैं क्योंकि मैं ही भाभी का एक सहारा हूँ, मेरे अलावा उनके पास कोई नहीं है, इसलिए आप मुझे उनसे दूर कर रहे हैं। अभय ने सपाट लहजे में कहा, तुम पल्लवी से मिलने नहीं जाओगी बल्कि तुम मोहित के पास रहकर उसका ख्याल रखने के लिए यही रुकोगी। उसकी बात सुनकर विशेषता हैरान होकर अभय को देखने लगी और कुछ यही हाल सायशा का भी था, क्योंकि विशेषता की उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अकेले इतने छोटे बच्चे को संभाल सके और ना ही उसे बच्चे संभालने का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस था। सायशा ने अभय की ओर देख कर कहा, लेकिन अभय ने उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और विशेषता की ओर देख कर कहा, आई नो मैं और सायशा इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जैसी महान मदर टेरेसा को मोहित का ख्याल रखने के लिए उसके पास यही रुकना चाहिए। उसकी बात सुनकर विशेषता के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे भी पता था कि वो ज्यादा देर तक मोहित को अकेले नहीं संभाल सकती है। अभय अपने सोफे से उठकर खड़ा हो गया और उसने सायशा को भी अपने साथ चलने का इशारा किया। सायशा ने कुछ कहना चाहा लेकिन अभय ने उसकी एक ना सुनी। उसने रूम का डोर ओपन किया और सायशा को रूम से बाहर निकलने का इशारा किया। सायशा ने जाने से पहले एक बार फिर प्यार से मोहित के बालों को सहलाया और रूम से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलने के बाद अभय ने विशेषता पर नजर डालते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ तुम बच्चे का अच्छी तरह ख्याल रखोगी, गुड लक। ये बोलकर अभय वहां से बाहर चला गया।
उसके वहां से बाहर जाने के बाद विशेषता ने दांत पीसते हुए कहा, अभय भैया ने जानबूझकर ऐसा किया है। और उधर अभय और साइशा वार्ड से बाहर निकल रहे थे। साइशा ने अभय की ओर देखकर कहा, अभय मोहित काफी छोटा है, तुम्हें इस तरह उसे विशेषता के भरोसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उसकी बात सुनकर अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं विशेषता जैसी बेवकूफ लड़की के भरोसे उस नन्ही सी जान को छोड़ सकता हूँ? साइशा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। अभय ने कहा, कुछ देर में सैंडी यहाँ पहुंचता ही होगा और वो दोनों बच्चे को संभाल लेगा। ये बोलकर अभय साइशा की आंखों में देखने लगा। उसकी बात सुनकर साइशा ने भी स्माइल कर दिया। साइशा ने कुछ सोचा और अभय की ओर देख कर कहा, अभय अगर तुम कहो तो क्या मैं सैंडी के हॉस्पिटल आने तक विशेषता के साथ मोहित के पास रुकती हूँ? उसके सवाल पर अभय ने रूखेपन से कहा, साइशा बेहतर होगा कि तुम दूसरों के बच्चे से ज्यादा अपने बच्चे पर ध्यान दो, तुम्हें आयांश के पास होना चाहिए। उसके इतना कहते ही साइशा ने कहा, लेकिन अभय मोहित कोई गहर नहीं है, वो तुम्हारे भाई का खून है, तुम्हारी भाई की आखिरी निशानी है, तुम उसके लिए ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? साइशा की बात सुनकर अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर अभय के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करेगा, क्या होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अभय और साइशा अब तक हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे और उनकी बातचीत अब तक जारी थी। साइशा की बात सुनकर अभय ने उसकी नाक खींच कर कहा, ये तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी हो? उसके इतना कहते ही साइशा ने कुछ सोचते हुए कहा, या मैंने कुछ गलत कहा? अभय ने नहीं में सर हिलाया और कहा, वो मैं तुम्हें रात में बताऊंगा। ये लाइंस कहते वक्त अभय के चेहरे पर शरारत के भाव थे। उसकी बात सुनकर साइशा ने आंखें बड़ी करते हुए हैरानी से कहा, अभय सीरियसली क्या तुम इस सिचुएशन में भी ऐसी बातें कह सकते हो? उसकी बात सुनकर अभय ने कंधे उचका कर कहा, हाँ मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे तुम्हारी खुशियों का हर वक्त ख्याल होना चाहिए, चाहे वो खुशियां बेडरूम के अंदर की क्यों ना हो। उसकी बात सुनकर साइशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अभय के कंधे पर पंच मारते हुए कहा, तुम बहुत बेशर्म हो। अभय ने रिप्लाई किया, ये बात तुम्हें अभी पता चली? उसकी बात सुनकर साइशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम घर के लिए निकलो और मुझे ऑफिस जाना है, वहां मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। साइशा ने धीरे से हां में सर हिला दिया। तभी उसके सामने कार आकर रुकी। साइशा कार की पिछली सीट पर सेटल हो गई और उनकी कार पैलेस के लिए निकल पड़ी। अभय भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। साइशा पैलेस पहुंच चुकी थी, वो इस वक्त आयांश के साथ खेल रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली, स्क्रीन पर अभय का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। उसने फोन रिसीव किया और फोन रिसीव करते ही कहा, अभय अब मोहित की तबीयत कैसी है? उसके सवाल पर अभय ने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए कहा, ये बताओ मेरी बीवी और बच्चे कैसे हैं? उसकी बात सुनकर साइशा को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने साइशा की बात का सीधी तरह रिप्लाई नहीं दिया था। साइशा ने जवाब दिया, दोनों अच्छे हैं। अभय ने कहा, गुड। फिर उसने कहा, आज मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तुम डिनर पर मेरा वेट मत करना, ओके? साइशा ने भी उसे रिप्लाई किया और कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद साइशा ने फोन कट कर दिया। उसे फोन पर बात होने के बाद साइशा को ये तो समझ में आ चुका था कि अभय उससे कोई बात छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है, लेकिन साइशा ने भी उससे उस बात को जानने की कोई खास कोशिश नहीं की क्योंकि उसे अभय पर यकीन था कि वक्त आने पर अभय खुद ही उसे सब सच बता देगा। आयांश भी सो चुका था। साइशा ने अपना मोबाइल उठाया और अदिति का नंबर डायल किया। दूसरे साइड से अदिति ने फोन उठाते ही कहा, आज चांद कहां से निकला है जो मिसेस खन्ना ने खुद इस नाचीज को याद किया? ये बोलकर वो हंसने लगी। उसके इस लाइन को सुनने के बाद साइशा ने हंसते हुए कहा, कम ऑन अदिति, तुम बिना टॉन्ट मारने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। ये बोलकर वो हंस पड़ी। फिर साइशा ने अदिति से कहा, क्या आज रात तुम फ्री हो? उसकी बात सुनकर अदिति ने सपाट लहजे में कहा, हाँ फिलहाल तो मुझे कोई खास काम नहीं है। साइशा ने कहा, क्या आज तुम डिनर हमारे साथ खन्ना पैलेस में करोगी? उसके इतना कहते ही अदिति तुरंत बोल पड़ी, ना बाबा ना, मुझे तुम्हारे खन्ना पैलेस में आकर डिनर करने का कोई शौक नहीं है। वहां कर मुझे ऐसा फील होता है कि हम किसी हिटलर के सामने बैठकर डिनर कर रहे हैं। मैं तो नहीं आने वाली, आई एम सॉरी। उसकी बात सुनकर साइशा जोर से हंसने लगी। अदिति ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या, मिस्टर अभय को देखकर फील होता है कि वो राजा है और हम सब उनकी गरीब प्रजा, और
उनकी कई हर बात पत्थर की लकीर होती है, इसीलिए मुझे माफ करो, साइशा ने हंसते हुए कहा। लेकिन अदिति आज अभय डिनर पर हमारे साथ नहीं होगा, उसे ऑफिस में कुछ काम है इसीलिए वो घर लेट आएगा, तो तुम आराम से आ सकती हो, उसकी बात पर अदिति ने कहा। अगर मिस्टर खन्ना नहीं होंगे तो क्या हुआ, लेकिन उनकी परछाई तो वहां होगी ना, इसीलिए मैं नहीं आऊंगी। साइशा कुछ समझ पाती इसके पहले ही अदिति बोल पड़ी, मिस्टर खन्ना की जगह उनका छोटा भाई जूनियर खन्ना लेने में जरा भी टाइम नहीं लेगा। साइशा ने जवाब दिया, लेकिन अदिति अमित से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। अदिति ने जवाब दिया, क्या तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो जाती है, अमित और अदिति कभी दोस्त नहीं हो सकते, साइशा ने कहा। लेकिन ऐसा क्यों, वो तो बहुत अच्छा है, अदिति ने कहा। वो अच्छा होगा सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा देवर कितना मतलबी है ये मुझसे पूछो, मैंने उस दिन उसे शर्लिन से बचाया और काजल के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका दिया, लेकिन तुम्हारे देवर ने एक बार भी मुझे थैंक्स नहीं कहा, बल्कि उल्टे उसने मेरी लेग पुलिंग करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी बात सुनकर साइशा चुप थी, फिर कुछ सोचकर अदिति ने कहा, अगर तुम सचमुच मेरे साथ डिनर करना चाहती हो तो आज हम डिनर के बाहर करेंगे और मैं तुम्हें कुछ देर बाद लोकेशन सेंड कर दूंगी, ओके, और प्लीज तुम अपने देवर को लेकर मत आना। उसकी बात सुनकर साइशा ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है बाबा, मैं उसे लेकर नहीं आऊंगी, अब खुश, अदिति ने जवाब दिया, बहुत खुश। अदिति से फोन पर बात करने के बाद साइशा ने फोन कट कर दिया और ठीक आधे घंटे बाद अदिति ने उसे होटल का लोकेशन भी भेज दिया। शाम के 8 बज चुके थे। आयांश को मैरी के भरोसे छोड़कर साइशा जैसे ही रेडी होकर देवा के साथ पैलेस से बाहर निकल ही रही थी कि तभी वहां पर अमित की कार पहुंची। अमित ने देवा को कार रोकने का इशारा किया। अमित अपनी कार की ड्राइविंग सीट के बाहर आया और साइशा के पास आकर कहा, भाभी क्या आप कहीं बाहर जा रही हैं? अमित को देखकर साइशा को अदिति की बात का ध्यान आया और उसने अमित की पिछली बार वाली हरकत भी याद आ गई, जब अमित ने उसे अदिति से अच्छी तरह बात भी करने नहीं दिया था, इसलिए उसने तुरंत बात बनाते हुए कहा, हाँ अमित, दरअसल मैं डिनर के लिए बाहर जा रही हूँ। उसके इतना कहते ही अमित ने कुछ सोचा और कहा, वाह मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ये बोलकर उसने साइशा के कुछ कहने का इंतजार भी नहीं किया और कार के पिछले सीट पर साइशा के पास सेटल हो गया। साइशा उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए साइशा ने तुरंत बात बनाने की कोशिश करते हुए कहा, अब अमित मुझे लगता है तुम्हें घर पर खाना खाना चाहिए और आयांश के साथ होना चाहिए, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। अमित ने अपने पेट पर हाथ लगाते हुए कहा, नहीं भाभी, सबसे पहले पेट पूजो उसके बाद दूसरे काम। ये बोलकर अमित ने देवा को चलने के लिए कहा। साइशा मन में सोचने लगी, अगर अमित को पता चलेगा कि मैं अदिति के साथ डिनर के लिए बाहर जा रही हूँ तो वो फिर से अभय को वहां बुलाएगा और ये दोनों भाई मिलकर हमारा डिनर स्पॉइल कर देंगे। तभी अमित ने साइशा की ओर देखकर कहा, भाभी वैसे आप डिनर पर किसके साथ जा रही है, क्या भैया आपका पहले से वहां इंतजार कर रहे हैं? जवाब में साइशा ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, अमित मैं अपने दोस्त के साथ डिनर पर जा रही हूँ। उसके इतना कहते अमित ने कहा, क्या मैं आपके उस दोस्त को जानता हूँ? साइशा ने क्यूट सा फेस बनाकर हाँ में सर हिला दिया। अमित ने जैसे ही साइशा का चेहरा देखा उसने तुरंत कहा, भाभी आपकी उस दोस्त का नाम अदिति तो नहीं? साइशा ने एक बार फिर क्यूट सा फेस बनाकर हाँ में सर हिला दिया। अमित ने अपने सर पर टपली मारकर कहा, तब तो मेरा आपके साथ जाना बनता ही है। ये बोलकर वह साइशा की ओर देखने लगा। साइशा ने बड़े प्यार से अमित को समझाते हुए कहा, अमित प्लीज आज तुम हमें परेशान मत करना, क्योंकि अदिति ने तुम्हारी वजह से पहले इसमें डिनर के लिए मना कर दिया था। उसके इतना कहते अमित ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, क्यों, आखिर मैंने उसके साथ ऐसा क्या किया जो मेरे कारण पैलेस नहीं आई हूँ? साइशा ने आके गोल घुमाकर कहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अमित ने साइशा की ओर देखकर कहा, भाभी मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, मुझे आपकी वो दोस्त बहुत अजीब लगती है, आपने उसकी ड्रेसिंग सेंस नोटिस की है? वो कैसे अजीबो गरीब से कपड़े पहनती है, और आपकी दोस्त में तो लड़कियों वाली कोई हरकत ही नहीं है। आपको कॉलेज टाइम पर अपने उस दोस्त की वजह से कभी बॉयफ्रेंड की कभी महसूस ही नहीं हुई होगी, राइट? उसकी बात सुनकर साइशा जोर से हंसने लगी। फिर उसने हंसते हुए कहा, नहीं अमित वो बहुत अच्छी है। साइशा ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अच्छा तुम वो सारी बातें छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी और काजल की स्टोरी कहाँ तक पहुंची? उसकी बात सुनकर अमित के चेहरे पर कोई खास खुशी के भाव नहीं आए। उसने जवाब दिया, पता नहीं भाभी, आई थिंक कुछ खास आगे नहीं बढ़ी है। साइशा ने आके बड़ी करते हुए कहा, पता नहीं आप फिर मुझे बताना नहीं चाहते हूँ। ये बोलकर उसने अमित को कोनी मारते हुए कहा,
बताओ ना, तुम्हारी और काजल की स्टोरी कहाँ तक पहुंची? मैं किसी से नहीं कहूंगी, पक्का। ये बोलकर साईशा अमित के चेहरे की ओर देखने लगी। अमित को काजल का नाम सुनकर कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई। उसने जवाब दिया, भाभी वो ज्यादा बात ही नहीं करती है, बल्कि उसे मजाक भी समझ में नहीं आता। मैंने उसे छोटा सा मजाक कर दिया तो वो नाराज हो गई। उसकी बात सुनकर साईशा ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें ना अपने बड़े भाई से ट्यूशन लेनी चाहिए कि किस तरह लड़कियों को अपने पंजे में कसकर उसे अपना बनाया जाता है। कि बोलकर साईशा हंसने लगी। अमित ने उसकी ओर देखा और सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहा, आप अपने पति की तारीफ करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती ना। साईशा ने थोड़ा इतराते हुए कहा, क्या करूं, मेरा पति है ही कुछ ऐसा। उसकी बात सुनकर अमित ने आंखें गोल घुमाकर कहा, खैर आप ये सारी बातें छोड़िए और ये बताइए कि आपने और आपके पति ने बेचारे राजीव की जिंदगी बर्बाद करने की सोची थी, वो मैटर कहां तक पहुंचा। ये बोलकर वो साईशा के मुंह से अदिति की शादी के बारे में सुनना चाहता था। साईशा ने कंधे उचकाकर कहा, व्हाट डू यू मीन कि हम दोनों राजीव की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? बल्कि देखना, अदिति के साथ राजीव कितना खुश रहेगा। राजीव के साथ अदिति का नाम सुनकर अमित को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सपाट लहजे में कहा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, आपकी दोस्त कितना बात करती है, कितनी मस्ती करती है, वो शांत एक जगह तो बैठ ही नहीं सकती। और वही वो राजीव परफेक्ट यहाँ पे मैन है, सीरियस रहता है, कम बात करता है, थोड़ा मनहूस टाइप भी है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी फ्रेंड उसके साथ खुश नहीं रहेगी? उसकी बात सुनकर साईशा कुछ सोचने लगी। साईशा को देखकर अमित को ऐसा लगा कि उसकी बातों का असर साईशा पर होने लगा है। उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, बल्कि आपको तो अपनी दोस्त अदिति के लिए थोड़ा दूसरे टाइप का लड़का देखना चाहिए। उसकी बात सुनकर साईशा ने आंखें से गोर कर कहा, अमित मुझे तो लगता है राजीव ही अदिति के लिए परफेक्ट मैच है, वो दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखेंगे और देखना वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। अमित ने उसकी ओर देख कर कहा, मतलब आप राजीव की जिंदगी बर्बाद करके ही मानेंगी? साईशा ने खोए हुए अंदाज में कहा, अमित तुम अभी छोटे हो इसीलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो कि अदिति कितनी अच्छी लड़की है, और देखना उन दोनों की मैरिड लाइफ कितनी अच्छी होगी। साईशा के मुंह से अदिति की शादी किसी और के साथ तय करने की बात अमित को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। अमित और साईशा होटल पहुंच चुके थे। दोनों जैसे ही होटल के अंदर एंटर हुए, दोनों ने पैनी नजर वहां टेबल पर बैठे लोगों पर डाली, लेकिन उन दोनों के बीच उन्हें अदिति कहीं नजर नहीं आई। वहां अदिति को ना देखकर एक पल के लिए अमित थोड़ा सा परेशान हो गया, फिर उसने साईशा की ओर देखकर कहा, भाभी क्या सचमुच आपकी दोस्त ने आपको डिनर के लिए इन्वाइट किया था? साईशा ने हैरान होते हुए कहा, हाँ अमित, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब में अमित ने कहा, आपसे बात करते वक्त आपकी दोस्त अपने होशो हवास में तो थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं उसने स्कॉच की बोतल खाली करने के बाद आपको यूं ही कॉल किया हो या आपके साथ प्रैंक किया हो? उसकी बात सुनकर साईशा ने हंसते हुए कहा, नहीं अमित, वो सीरियस थी, उसने मुझे यहाँ डिनर पर इन्वाइट किया है। अमित ने अपने सीने पर हाथ रखा और ठंडी सांस भरते हुए बोला, थैंक गॉड वो नशे में नहीं थी। साईशा ने उसके कंधे पर पंच मारते हुए कहा, अमित तुम्हें क्या लगता है कि मेरी फ्रेंड दिन भर शराब के नशे में रहती है? अमित ने उसकी बात खत्म होते ही तुरंत जवाब दिया, और नहीं तो क्या, आप मुझसे पूछिए वो कितनी शराब पीती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये लाइन कहने के बाद अमित को अपनी ही कही लाइंस पर हंसी आ गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से वही सीन घूम गया जब उसने नशे में डूबी हुई अदिति का ड्रेस चेंज किया था। उस पल को याद करके अमित के चेहरे पर स्माइल थी। साईशा ने कॉर्नर टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा, अमित चलो हम वहां बैठते हैं। दोनों कॉर्नर टेबल पर बैठकर अदिति का वेट करने लगे। साईशा ने अमित की ओर देखकर कहा, वैसे एक बात कहूं अमित, अदिति की ना कॉलेज टाइम से एक बहुत बुरी आदत है कि वो कभी भी कहीं टाइम पर नहीं पहुंचती, और ये आदत आज भी वैसी ही है। उसकी बात सुनकर अमित ने स्माइल कर दिया और कुछ नहीं कहा। उसकी बातचीत चली रही थी कि तभी उन्हें पीछे से एक लड़की की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उस लड़की ने कहा, मेरे पीठ पीछे दोनों देवर और भाभी मेरी बुराई कर रहे हो? और जानी पहचानी आवाज को सुनकर अमित ने खुश होकर पीछे पलट कर देखा, क्योंकि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि अदिति की थी। अदिति को अपने सामने देखकर अमित के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए, वो बहुत खुश था। साईशा अपनी जगह से उठकर अदिति को हग करती हुई बोली,
हम तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे थे, बल्कि हम तो तुम्हारी लेट लतीफी वाली आदत डिस्कस कर रहे थे। अमित ने अदिति की ओर देखा और उसे हेलो कहा। अमित को साइशा के साथ देखकर अदिति ने अपने सर पर हाथ रख के कहा, साइशा तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम इसे लेकर मत आना। ये बोलकर अदिति अमित की ओर देखने लगी। अदिति के मुंह से ये बात सुनकर साइशा ने हड़बड़ाकर अमित पर नजर डाली, क्योंकि उसे डर था कि उसकी बात कहीं अमित को बुरी ना लग जाए। लेकिन वो गलत थी। अमित बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने हंसते हुए जवाब दिया, भाभी अगर तुम्हारी जैसी दोस्त से मिलने आए तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मुझे भी उनके साथ होना चाहिए। ये बात सुनकर अदिति ने आंखें सिकोड़ कर कहा, मिस्टर अमित आपको पता होना चाहिए कि आपकी भाभी और मैं पिछले 5 सालों से बहुत अच्छे दोस्त हैं, समझे आप? अमित ने कंधे उचका कर कहा, पहले अपनी भाभी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास मैं नहीं था ना, लेकिन अभी उनका ये स्मार्ट हैंडसम डैशिंग देवर उनके साथ है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी भोली भाली भाभी को तुम्हारी जैसी दोस्त के साथ अकेले ना आने दूं। उसकी बात सुनकर अदिति ने साइशा की ओर देखकर कहा, साइशा तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आई? ये उसी दिन की तरह हमारा पूरा मूड खराब कर देगा। साइशा ने जवाब दिया, नहीं अदिति अमित आज ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। साइशा ये बोलकर अमित की ओर देखने लगी। अमित ने कंधे उचका कर कहा, आपकी दोस्त मुझसे इतना डरती क्यों है? उसकी बात सुनकर अदिति ने अपनी कमर पर हाथ रख लिया और अकड़ कर बोली, एक्सक्यूज मी तुमसे कौन डरता है? अमित ने अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहा, अच्छा तभी तुम मुझे देखकर डर के मारे कांपने लगती हो, देखो तुम्हारा डर तुम्हारे चेहरे से ही समझ में आ रहा है, तुम कितनी डरी हुई हो। ये बोलकर वो अदिति की ओर देखने लगा। अदिति ने आंखें सिकोड़ कर कहा, ओ हेलो मैं किसी से नहीं डरती, समझे तुम? अमित ने तुरंत जवाब दिया, हो सॉरी मैं तो भूल ही गया था, तुम तो वैसे भी हॉन्टेड क्वीन हो, तुम्हें देखकर अच्छे अच्छे लोग डर जाते जैसे उस रात मैं डर गया था। ये लास्ट वर्ड कहते समय अमित की आवाज में और उसके चेहरे पर शरारत थी। उसके ये वर्ड सुनकर वहां मौजूद साइशा ने अमित की ओर देखकर कहा, अमित तुम किस रात के बारे में बात कर रहे हो? साइशा का ये सवाल सुनकर अदिति ने अमित को चुप रहने का इशारा किया और साइशा की ओर देखकर स्माइल देते हुए बोली, छोड़ो ना साइशा, वैसे भी बेचारे का दिमाग खराब हुआ पड़ा है, तुम भी किसकी बातों को इतना सीरियस ले रहे हो? ये बोलकर अदिति साइशा के पास रखी चेयर पर बैठने ही वाली थी कि इसके पहले अमित अदिति के पास वाली चेयर पर आकर बैठ गया, क्योंकि वो उसके करीब जो बैठना चाहता था। साइशा उन दोनों के सामने रखी चेयर पर बैठ गई। साइशा ने अदिति की ओर देखकर कहा, अदिति मैं और अमित काफी देर से यहाँ तुम्हारा वेट कर रहे थे, इसीलिए हमने ऑर्डर कर दिया है, अगर तुम्हें कुछ और ऑर्डर करना हो तो तुम कर सकते हो। साइशा की लाइंस खत्म होते ही अदिति ने जवाब दिया, साइशा तुम्हें तो पता है मैं डिनर के बाद स्पेशल ऑर्डर करूंगी। ये बोलकर उसने साइशा की ओर देखकर अपनी एक आंख दबाई। साइशा उसका इशारा समझते हुए अपने सर पर हाथ रखकर हंस पड़ी। अमित को कुछ समझ में नहीं आया, उसने अदिति की ओर देखकर कहा, वैसे तुम्हारा स्पेशल ऑर्डर क्या है? अदिति ने आंखें मटका कर कहा, कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा, डोंट वरी। अदिति ने तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए साइशा पर नजर डाली और कहा, अब पल्लवी कैसी है, क्या वो घर आ गई? उसके इस सवाल पर साइशा ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, नहीं अभी वो घर नहीं आई है, उसे 3-4 दिन हॉस्पिटल में और रहना होगा। अदिति ने साइशा की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है अभी पल्लवी को काफी देखभाल की जरूरत है। साइशा ने रिप्लाई किया, हाँ अभय ने उसके लिए स्पेशल मेड और साइकेट्रिस्ट का अरेंजमेंट कर दिया है। साइकेट्रिस्ट का नाम सुनकर साइशा के पास बैठा अमित उसकी ओर देखकर बोला, भाभी भैया ने साइकेट्रिस्ट का अरेंजमेंट क्यों किया है? साइशा ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा, दरअसल विशेषता का कहना है कि पल्लवी कुछ दिनों से काफी परेशान है और इसीलिए वो डिप्रेशन में जा रही है, बस इसीलिए अभय ने उसके लिए साइकेट्रिस्ट का अरेंजमेंट किया है। साइकेट्रिस्ट दिन में 3 बार आकर उसकी अच्छी तरह काउंसलिंग करेगा जिससे पल्लवी बेहतर महसूस करेगी। उसकी बात सुनकर अमित तुरंत बोल पड़ा, लेकिन भाभी पल्लवी भाभी कोई पागल नहीं है जो उन्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत हो, और आप लोग भी विशेषता जैसे पागल लड़की की बातों में आकर भाभी के लिए साइकेट्रिस्ट रख रहे हैं, आई डोंट थिंक कि ये डिसीजन सही है। साइशा ने सपाट लहजे में कहा, अमित कुछ दिन हम साइकेट्रिस्ट रखकर देख लेते हैं, अगर हमें ऐसा लगेगा कि उसकी जरूरत नहीं है तो हम मना कर देंगे। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां मौजूद अदिति ने तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए अमित पर नजर डाली और कहा, खैर तुम्हें सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि
काजल और तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? आई मीन, तुमने उसे अपना हाले दिल वगैरह बताया या सिर्फ उसके साथ पढ़ाई की बातें ही करते रह गए? ये लास्ट लाइन उसने काफी शरारती तरीके से कही थी। अदिति के मुंह से अमित को काजल का नाम सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा क्यों था? वजह उसे भी नहीं पता थी, लेकिन बस वो इस वक्त चाहता था कि अदिति सिर्फ उससे उसके बारे में ही बात करे, वो किसी और लड़की के बारे में ना कहे। इसीलिए अमित ने जवाब दिया, नई स्टोरी कोई खास आगे नहीं बढ़ी। ये बोलकर अमित चुप हो गया। अदिति ने अमित की ओर देखा और उसे समझाते हुए कहा, देखो अमित, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ और मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है, और मैं तुम्हें ये एडवाइस करना चाहूंगी कि काजल बहुत कम बात करने वाली और सोच समझ कर डिसीजन लेने वाली लड़की है, और जहां तक मैंने उसे समझा है, उसे बेहुदापन या बचपना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए तुम्हें उसके सामने काफी मैच्योरिटी से खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तब वो तुम्हें नोटिस करेगी। अदिति के मुंह से ये बात सुनकर अमित ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो क्या मैं तुम्हें इमेच्योर लगता हूँ? और हम दोनों के साथ में देखने से कोई नहीं कहेगा कि तुम उनसे उम्र में बड़ी हो, एज तो सिर्फ एक नंबर होता है ना। ये लास्ट लाइन अमित ने काफी गहराई से कही थी। अदिति ने अमित के सर पर धीरे से चपत लगाते हुए कहा, अरे डम्बो, तुम मुझसे मेरी एज डिस्कस क्यों करने लग गए? वो सब तुम छोड़ो और जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे गौर से सुनो। तुम्हें काजल को खुद से प्रपोज करना होगा। जब उसे पता चलेगा कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो वो तुम्हें उस तरह से ट्रीट करेगी। अमित को अदिति पर गुस्सा आ रहा था। उसने धीरे से कहा, वो मुझे किस तरह से ट्रीट करेगी? अदिति ने अपनी आंखें गोल घुमाकर कहा, तुम ना सचमुच पूरे डम्बो हो। तुम्हें आगे से जाकर काजल को बताना चाहिए, जिससे वो तुम्हें गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करेगी। उसे जब पता चलेगा कि तुम उसे मैरिज मटेरियल मानते हो, तभी तो वो भी तुम्हारे करीब आने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएगी। ये बोलकर अदिति हंसने लगी। उसकी कही ये लाइंस अमित को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक समय था जब वो सचमुच काजल को पाना चाहता था, लेकिन आज न जाने क्यों उसे काजल का नाम सुनना भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे हर पल अदिति को देखना, उसकी बातें सुनना अच्छा लगने लगा था। उनकी टेबल पर उनको ऑर्डर आ चुका था। अदिति ने सायशा और अमित की ओर देख कर कहा, तुम दोनों खाना स्टार्ट करो, मैं अभी एक इम्पोर्टेंट कॉल करके आई। ये बोलकर अदिति अपना हैंड पर्स लेकर वहां से दूसरी ओर चली गई। सायशा ने अमित की प्लेट में खाना सर्व कर दिया और कहा, अमित तुम अदिति का वेट मत करो, तुम खाना शुरू कर दो, वो माइंड नहीं करेगी। लेकिन अमित तो अदिति को देखना चाहता था, उसकी बातें सुनना चाहता था, और अभी वहां अदिति को ना देखकर उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कुछ देर बाद अदिति अपनी टेबल पर वापस पहुंची और अदिति को देखकर अमित का चेहरा फिर से खिल गया। अमित ने नोटिस किया कि अदिति के हाथ में ना ही उसका मोबाइल फोन था और ना ही उसका हैंड पर्स। ये देखकर अमित कुछ बोल पाता, उसके पहले ही वहां एक लड़का पहुंचा जिसकी उम्र यही कोई 27-28 साल की रही होगी। देखने में वो काफी हैंडसम, टॉल और डैशिंग था। उसने अदिति की ओर उसका हैंड पर्स और मोबाइल पास करते हुए कहा, वो देखने में काफी हैंडसम, टॉल और डैशिंग था। उसने अदिति की ओर उसका हैंड पर्स और मोबाइल पास करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आप अपना फोन और अपना हैंड पर्स रिसेप्शन पर भूल आई थी। उसकी बात सुनकर अदिति ने स्माइल करते हुए कहा, ओ थैंक यू सो मच मिस्टर। ये बोलकर अदिति उस शख्स का नाम जानने की कोशिश करने लगे। लड़के ने स्माइल की और कहा, आई एम हार्दिक। ये बोलकर उस लड़के ने अदिति की ओर से शेक हैंड करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अदिति ने भी स्माइल करते हुए उस लड़के के साथ शेक हैंड किया। वहां मौजूद अमित को अदिति का इस तरह किसी गैर मर्द के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं आ रहा था। हार्दिक ने अदिति की ओर देख कर कहा, हे ब्यूटिफुल, आपने अपना नाम नहीं बताया। अदिति ने अपने सर पर टपली मारते हुए कहा, ओह सॉरी, मायसेल्फ अदिति। हार्दिक ने एक हल्की नजर सायशा और अमित पर डाली। सायशा ने हार्दिक को हेलो कहा, लेकिन अमित हार्दिक को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। हार्दिक ने अदिति की ओर देखा और अमित की ओर इशारा करते हुए कहा, आई एम श्योर, और वो आपका बॉयफ्रेंड है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको सायशा, अदिति और अमित अब तक होटल में मौजूद थे और हार्दिक के साथ अदिति की बातें अब तक कंटिन्यू थी। हार्दिक के सवाल पर अदिति ने हंसते हुए नहीं में सर हिलाया और कहा, नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उसकी बात सुनकर हार्दिक ने शरारती तरीके से कहा, इसका मतलब मैं आप पर चांस मार सकता हूँ? ये बोलकर वो शरारती नजरों से अदिति की आंखों में देखने लगा।
उसकी ये बात सुनकर अदिति स्माइल करने लगी। अमित ने हार्दिक को घूर कर देखा और कड़क आवाज में कहा, मिस्टर हार्दिक, अगर आपका काम हो गया हो तो क्या हम डिनर कर सकते हैं? ये बोलकर वो हार्दिक की ओर देखने लगा। हार्दिक ने अमित की ओर देखा और हां में सर हिला दिया और वहां से जाने लगा। अदिति अपनी चेयर पर आकर सेटल हो गई। अमित ने उसे घूर कर देखा और कहा, किसी भी अनजान से इस तरह हंस हंस कर बातें नहीं की जाती अदिति। अदिति कुछ बोल पाती उसके पहले ही हार्दिक एक बार फिर से अदिति के चेयर के पास आ गया और उसने अदिति की ओर देखकर कहा, आई एम श्योर आप इंस्टाग्राम पर जरूर होंगी, राइट? अदिति ने हां में सर हिलाते हुए कहा, हाँ। अदिति कुछ और बोल पाती इसके पहले ही अमित ने हार्दिक की ओर देखा और कहा, मिस्टर हार्दिक, मुझे लगता है अब आप जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर हार्दिक ने आंखें गोल घुमा कर कहा, ओके आई एम गोइंग। फिर उसने जाते जाते अदिति पर नजर डाली और कहा, अब हम इंस्टा पर मिलेंगे, बाय। ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद अमित ने अदिति को घूर कर देखा और कहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस तरह अनजान आदमी से ज्यादा बात करना अच्छी बात नहीं होती? उसकी बात सुनकर अदिति ने कंधे उचका कर बेपरवाही से जवाब दिया, अमित मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें जितना पॉजिटिव काजल के लिए होना चाहिए उतना तुम मेरे लिए हो रहे हो? ये कहने के बाद अदिति जोर से हंस पड़ी। उसकी बात सुनकर साइशा भी हंसने लगी। फिर उसने हंसते हुए अदिति से कहा, अदिति तुम बिना मेरे देवर को छेड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे इस तरह हार्दिक का अदिति के पास आकर बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद उनका डिनर हो चुका था। डिनर होने के बाद अदिति ने वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाया और उसे स्कॉच का ऑर्डर दिया। उसकी बात सुनकर अमित ने वेटर को कहा, स्कॉच लाने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? जाओ यहाँ से। ओके सर, बोलकर वेटर वहां से चला गया। उसकी इस हरकत पर अदिति ने आंखें सिकोड़ कर साइशा की ओर देखा और कहा, देखा साइशा, तुम्हारा देवर फिर से सारा मूड स्पॉइल कर रहा है। ये बोलकर वो अमित की ओर शिकायतों भरी नजरों से देखने लगी। साइशा ने अमित की ओर देखा और उसे समझाते हुए कहा, अमित तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? उसकी बात सुनकर अमित ने साइशा की ओर देखकर कहा, भाभी ये फिर से स्कॉच मंगवाएगी और आपसे भी पीने की जिद करेगी, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो अदिति को देखने लगा। साइशा ने अमित की ओर देखकर कहा, अमित मैं अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर लूंगी, तुम और अदिति अपनी ड्रिंक एंजॉय करना। अमित ने साइशा की ओर देखा और कहा, भाभी आपकी दोस्त पे कुछ कम नहीं है, नशे में वो क्या क्या करती है उससे भी होश नहीं होता। ये बोलकर उसने अदिति पर नजर डाली। साइशा ने जैसे कुछ कहना चाहा उसके पहले ही अमित ने उसकी ओर देखकर कहा, भाभी आप बहुत भोली हैं, आप अपनी इस दोस्त के साथ रहकर बिगड़ जाएंगी, इसीलिए अब आप घर जाइए और आपकी दोस्त को मैं अपने साथ बाहर ले जाता हूँ। अमित की बात सुनकर साइशा ने अदिति की ओर देखा। अदिति ने आंखें फाड़ कर अमित की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हारा बार भी है? अमित ने हां में सर हिला दिया। अदिति ने खुश होकर कहा, वाओ तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, चलो हम तुम्हारे बार में बैठकर वहां की सबसे महंगी वाइन एंजॉय करेंगे। ये बोलकर वो बच्चों की तरह खुश होकर उछलने लगी। उसकी बात सुनकर साइशा ने अमित की ओर देखा और कहा, अदिति ठीक कह रही है, तुम उसे बाहर ले जाओ और मैं पहले इसके लिए निकलती हूँ, हयांश मेरा वेट कर रहा होगा, ओके? अमित भी यही चाहता था कि साइशा अदिति को उसके साथ अकेले छोड़ दे और हुआ भी वही। साइशा वहां से पहले इसके लिए निकल गई और अमित अदिति को लेकर जैसे ही होटल से बाहर आया अदिति ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम यहीं रुको मैं अपनी कार लेकर आती हूँ। उसकी बात सुनकर अमित ने आंखें से खोड़ कर उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें ड्राइविंग अच्छी तरह आती है? क्योंकि मेरा अब तक लाइफ इंश्योरेंस नहीं हुआ है। उसकी बात सुनकर अदिति ने आसमान की ओर देखकर कहा, मेरा भी नहीं है, मैं तो खुद ऊपर वाले के भरोसे गाड़ी चलाती हूँ। ये बोलकर अदिति हंसती हुई वहां से चली गई। उसके वहां से जाने के बाद अमित भी हंसने लगा। कुछ देर बाद अदिति की कार अमित के सामने आकर रुकी। इस वक्त अदिति ड्राइविंग सीट पर थी। अमित उसके पास वाली सीट पर सेटल हो गया। उसके बैठते ही अदिति ने अमित की ओर देखकर कहा, मेरे साथ बैठने में तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? अमित ने उसकी ओर खोए हुए ढंग से देखा और नहीं में सर हिला दिया। अब उनकी कार मुंबई के हैवी ट्रैफिक के बीच निकल पड़ी थी। रास्ते में अदिति ने अमित की ओर देखकर कहा, अमित तुम सच में मुझे अपने बार में लेकर जाकर वहां की सबसे महंगी वाइन पिलाओगे ना? तुम मुझसे कहीं झूठ तो नहीं कह रहे? उसकी बात सुनकर अमित ने स्माइल कर दिया और कहा, तुम्हें शराब बहुत पसंद है ना? उसकी बात सुनकर अदिति ने छोटे बच्चों की तरह हां में सर हिला दिया और कहा,
क्या तुम्हें नहीं पसंद है? अमित ने जवाब दिया, मुझे शराब बहुत पसंद नहीं है और ना ही मैं डेली वाइन पीता हूँ। उसकी बात सुनकर अदिति ने कहा, तुम्हारा तो खुद का बार है तो फिर तुम वाइन क्यों नहीं पीते? तुम्हें तो हर रोज वाइन पीना चाहिए। कि बोलकर वो हंसने लगी। अमित ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें शराब इतनी पसंद क्यों है? क्यों हर वक्त तुम अपने आप को नशे में डुबो कर रखना चाहती हो? उसकी बात सुनकर अदिति ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो मुझे होश में रहने ही नहीं देती, और जब मैं होश में नहीं होती तब मुझे अपने किसी भी गम का कोई एहसास ही नहीं होता। ये अल्फाज उसने काफी सीरियस होकर कहे थे। अदिति की ये लाइन न जाने क्यों सीधे अमित के दिल को टच कर गई। अमित ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें भी किसी बात का गम है? अदिति ने अमित की आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये बोलकर वो हंस पड़ी। अमित ने कुछ सोचते हुए कहा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसी पागल लड़की को क्या गम हो सकता है, इसीलिए तुम्हें बताना चाहिए। उसकी बात सुनकर अदिति ने आंखें सिकोड़ कर कहा, अमित क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे हर वक्त अंडर एस्टिमेट करते रहते हो? और वैसे भी मेरे शराब पीने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये बोलकर वो उसकी रिप्लाई का वेट करने लगी। अमित ने आंखें गोल घुमाकर कहा, क्योंकि जब तुम शराब के नशे में होती हो तो मुझे ही तुम्हारे कपड़े चेंज करने होते हो और तुम बिना कपड़ों के और भी ज्यादा डरावनी लगती हो। ये लाइन्स कहते वक्त अमित की आवाज में शरारत थी। अदिति ने उसके कंधे पर पंच करते हुए कहा, अमित तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अमित ने उसकी ओर देखकर कहा, जब तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती तो फिर मुझे ऐसी बात करने में क्यों शर्म आने लगी? अदिति ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा सुनो, मैंने भी तुम्हें एक बार बिना कपड़ों के देखा था और तुमने भी मुझे बिना कपड़ों के देख लिया है। अब ये बात यहीं खत्म कर दो, हम दोबारा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ओके? ये बोलकर अदिति ने एक बार फिर अपनी कार का स्टीयरिंग संभाला। जवाब में अमित ने कहा, क्यों, पहले तो तुम्हें मुझे छेड़ने में बड़ा मजा आ रहा था और जब बात तुम पर आई तो फिर ये बात यहाँ खत्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? अब तो ये बात और आगे तक जानी चाहिए। उसकी बात सुनकर अदिति ने उसे घूर कर देखा और कहा, अमित अगर तुम इस तरह बातें करोगे तो मैं तुम्हें इसी वक्त अपनी गाड़ी से उतरने के लिए कह दूंगी, समझे तुम? अमित ने हाथ बांध कर उसकी ओर देखा और कहा, और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उतर जाऊंगा? अदिति ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम बार बार उस टॉपिक के बारे में बात क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था मेरे कपड़े चेंज करने के लिए, तुमने जानबूझकर मेरे कपड़े चेंज किए होंगे ताकि तुम मुझे शर्मिंदा कर सको। उसकी बात सुनकर अमित ने आंखें से गौर कर कहा, ओ मैडम, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें बिना कपड़ों में देखने का, समझे तुम? और वैसे भी तुम्हारी बेवकूफी की वजह से उस रात मैंने इतना भयानक फिगर देखा कि मैं तो डर ही गया। अदिति ने साइड पर कार रोकी और उसकी ओर देखकर कहा, अमित अगर अब तुमने एक बार भी उस रात के बारे में बात की ना तो ठीक नहीं होगा। अमित ने उसकी ओर देखा और आंखें चौड़ी करते हुए कहा, क्या ठीक नहीं होगा? क्या कर लोगी तुम? मैं तो आज के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि कहीं आज भी तुम उस रात वाली हरकत मत कर दो तो बेहतर ही होगा, वरना आज मैं फिर तुम्हें बिना कपड़ों के देखकर डरने वाला हूँ। ये बोलकर अमित शरारती नजरों से अदिति की आंखों में देखने लगा। अदिति ने अमित का हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई अपने दांतों से काटने की कोशिश करने लगी। अदिति की इस हरकत पर अमित को हंसी आ गई और उसने तुरंत अदिति का चेहरा अपने मजबूत हाथों में भर लिया। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अमित ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मिस अदिति, मुझे चोट पहुंचाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो, समझी? अदिति उसे आंखें चौड़ी करके हैरानी से देख रही थी, क्योंकि हमेशा बचकानी हरकत करने वाला अमित अभी उसे कुछ अलग समझ में आ रहा था। अदिति ने अपना चेहरा उसके हाथों से छुड़ाते हुए कहा, अमित अगर तुम मुझे परेशान करोगे ना तो मैं तुम्हें शर्लिन से भी नहीं बचाऊंगी और ना ही काजल से मिलने में तुम्हारी कोई हेल्प करूंगी, तुम देख लेना। ये बोलकर वो अमित की रिप्लाई का वेट करने लगी। अमित ने कंधे उचकाकर बेपरवाही से कहा, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर अदिति ने कुछ सोचा और कहा, तुम बहुत बुरे हो। अमित ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर मैं इतना बुरा हूं तो मुझे लगता है मुझे यहां से वापस चले जाना चाहिए, और मैंने बार में तुम्हारे लिए जो सबसे महंगी वाइन ऑफर करने की सोची थी ना, उसे मैं अकेले एंजॉय करूंगा, बाय, टेक केयर। ये बोलकर वो कार से बाहर उतरने लगा। वाइन का नाम सुनकर अदिति ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस गाड़ी में खींच लिया और कहने लगी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो जरा जरा सी बात पर सीरियस हो जाते हो। अमित उसके साथ कार में फिर से बैठ गया और उसकी ओर देखकर बोला, वैसे मुझे अच्छे अच्छे बिगड़े घोड़े पर लगाम कसना आता है।
उसकी बात सुनकर अदिति ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझती हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों बार पहुंचे। बार को देखकर अदिति ने खुश होकर कहा, अमित क्या ये सचमुच में तुम्हारा बार है? अमित ने हाँ में सर हिला दिया। अमित को देखते ही बार के स्टाफ उन दोनों को अटेंशन देने लगे। अमित अदिति की ओर देखकर बोला, चलो मेरे केबिन में बैठकर आराम से पीते हैं। अदिति ने छोटे बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दिया और वो दोनों अमित के केबिन की ओर चले गए। अमित अपने आलीशान केबिन में रखी महंगी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। उसे देखकर अदिति ने हंसते हुए कहा, सच कहूं अमित, अब तुम सचमुच मिस्टर अभय खन्ना के छोटे भाई की तरह लग रहे हो। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।